यस हाँ जी बेटा नाउ टुडे वी हैव यस डबल फर्टिलाइजेशन सुनना है ध्यान से डबल फर्टिलाइजेशन इज सुनना ध्यान से इट इज द फ्यूजन ऑफ इट इज द फ्यूजन ऑफ It is the fusion of two male gametes brought by the pollen tube with two different cells with two different cells of the same female gametophyte. Learning here, last lecture about that. In order to form two different structures this is called double fertilization it is the fusion of two male gamete brought by the pollen tube with the two different cells of the same female gametophyte in order to form two different structures that is a double fertilization exclusive feature of yes it is the exclusive characteristic explain karte hain achhi tarah feature of angiosperms angiosperm ka exclusive feature hai double fertilization sundari yahan dekhe sunna dhyan se humne kya padha beta this is female gametophyte hai na ये होगा बेटा इधर दिखाई दे रहा है ये होगा बेटा दो साइनर्जेट्स है ना ये होगा बेटा पोलर न्यूक्लियाई एंड दीज आर एंटीपोडल सेल्स डर नहीं है इसी होगा सुना रहे हैं फीमेल का भी तो बनता फीमेल यस गैमेटो फाइट सुना रहे नहीं है तो लगा फीमेल का भी तो फाइट की बात सुना रहे हैं ये क्या होगा बेटा एग दिस इज व्हाट वी कॉल एग ये क्या होगा बेटा सेंट्रल सेल ये होगा एंटीपोडल सेल्स दीज टू आर साइनेजेट्स समझ नहीं आ रही डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं ध्यान से सुनना पोलन ट्यूब आ जाए बेटा सुना ध्यान से मेल गैमेट को कौन लेके आ रहा पोलन ट्यूब भी होती है बेटा it burst open in one of the two synergids yaad hai it burst open yes this is what ye kya hai this is pollen tube pollen tube burst open in one of the two synergids and releasing the two male gametes and releasing The two male gametes, one of which fuses with the egg, है ना? एक egg के साथ fuse हो गया. This is called generative fertilization. और same gamete होगी ना? Fusion of male and female gamete. समझ रहे नहीं आ रही? इसका product क्या है?
यस, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा बेटा, जाइगोट क्या होगा, 2n। जाइगोट क्या होगा, 2n होगा। सेकंड मेल का मीट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियस। इनिशियली ये जो सेंट्रल सेल है बेटा, मैंने बताया था क्या होता है, वाई न्यूक्लियेटेड। फिर क्या बन जाता है ये, डिप्लॉयड। फ्यूजन के बाद क्या बन जाएगा, ट्रिप्लॉयड, 3n बन जाएगा। समझ नहीं आ रही, सेकंड मेल का मीट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियस। This is called vegetative fertilization. बहुत इजी है, देखा होगा बेटा, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होगी। समझा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। क्या बन गया बेटा, प्राइमरी सेंट्रल सेल से क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। ये क्या है बेटा, 3n। क्या हो गया, 3n, n n and n, 3n हो गया कि नहीं। दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। समझा रही नहीं आ रही, तो एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा। देखो, इट इज द फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स ब्रॉट बाय द पोलन ट्यूब विद द टू डिफरेंट सेल्स, वन इज एग, अदर इज सेंट्रल सेल, ऑफ द सेम फीमेल गैमेटोफाइट इन ऑर्डर टू फॉर्म टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, वन इज जाइगोट, अदर इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। समझा रही नहीं आ रही, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन है ना। इसको बेटा सबसे पहले स्टडी किया था नावाशेन ने, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय इन फर्टिल एरिया, एंड लिलियम फर्टिल एरिया एंड लिलियम। समझा रही नहीं, नावाशेन ने स्टडी की थी पहले, सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन। समझा रही नहीं यार, अब क्या होगा सुना ध्यान से, जाइगोट से बनेगा बेटा, क्या बनेगा एम्ब्रियो, क्या बनेगा एक मल्टी सेलुलर, यस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट से, जिसका नाम क्या है, एम्ब्रियो। सुना देख रही है, ये होगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है बेटा, एक सेल है सेंट्रल सेल, इससे क्या बनेगा, इससे एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, ओके स्ट्रक्चर बनेगा, विच इज कॉल्ड एंडोस्पर्म, कॉल्ड एंडोस्पर्म। ये क्या है, 3n, एम्ब्रियो क्या है, 2n। समझा रही है, ये एंडोस्पर्म क्या है ना, एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा, अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। क्या ये, सुनना ध्यान से, इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, यस मेंट फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो, मेंट फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। समझाइए नहीं है, पता लग रहा है नहीं, पता लग रहा, समझाइए नहीं है। एंडोस्पर्म जो बनेगा बेटा वो क्या है, वो न्यूट्रिटिव टिश्यू है। समझा रही है कि नहीं आ रही, एंडोस्पर्म टिश्यू है, किससे बना, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से बना। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये एम्ब्रियो को क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, अ न्यूट्रिटिव टिश्यू मेंट फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। समझा रही है बेटा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो ने ग्रो करना है, एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए फूड चाहिए, वो फूड क्या है बेसिकली, एंडोस्पर्म है। समझा रही है, विदाउट एंडोस्पर्म एम्ब्रियो की ग्रोथ नहीं हो सकती। समझा रही है कि नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं, पता लग रहा, इजी हो गया, समझा रही नहीं आ रही, बहुत इजी है, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। पता लग रहा नहीं, पता लग रहा, अब क्या होगा देखो, अब कर दो, बहुत इजी है, यस डबल फर्टिलाइजेशन है, एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म है ना, सिर्फ एंजियोस्पर्म नहीं होता बेटा, सुनना रहे हमसे। नाउ प्रोडक्ट क्या बन गया, दोबारा ड्रॉ करें, यहाँ क्या बन गया बेटा, यस यहाँ क्या बन गया, जाइगोट, दिस इज व्हाट वी कॉल जाइगोट डिप्लॉयड। सेंट्रल सेल क्या बन गया बेटा, ये क्या बन गया, सेंट्रल सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, प्राइमरी
एंडोस्पर्मिक जाइगोट से क्या बनेगा एम्ब्रियो, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल 3N, इससे क्या बनेगा, क्या बनेगा इससे एंडोस्पर्म, न्यूट्रेटिव टिश्यू बनेगा। जैसे जैसे बेटा जाइगोट से एम्ब्रियो बनता जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से क्या बनेगा, फूड बनना शुरू हो जाएगा। ये क्या एक तरह का फूड है, फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। समझा रही है नहीं यार, पता लगा नहीं पता लगा, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। समझा रही है नहीं यार, पता लग रहा नहीं पता लग रहा, समझा रही है, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन है एंड वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है। सुनना ध्यान से, जो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है जो, इसमें कितने न्यूक्लियस फ्यूज हुए, 3, इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, समटाइम ट्रिपल फ्यूजन भी बोल देते हैं। वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन समटाइम्स कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, पता लग रहा नहीं पता लग रहा, इसको कई बार क्या बोल देते हैं बेटा, ट्रिपल फ्यूजन भी बोल देते हैं। समझा लिया नहीं आ रही, आइडिया होगा नहीं होगा। नेक्स्ट है बेटा इसकी सिग्निफिकेंस, सुनना ध्यान से, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, सुनना ध्यान से। डबल फर्टिलाइजेशन फीचर किसका बेटा, एंजियोस्पर्म्स का। अब हमें पता है एंजियोस्पर्म्स आर मोर एडवांस देन जिम्नोस्पर्म्स, पता नहीं ये तो, एंजियोस्पर्म ना दे आर मोर एडवांस देन जिम्नोस्पर्म, कैसे, सुनना ध्यान से यार। डबल फर्टिलाइजेशन इट एंश्योर दैट, ये क्या एंश्योर करता है, दैट न्यूट्रेटिव टिश्यू इज फॉर्म्ड, न्यूट्रेटिव टिश्यू दैट इज बेसिकली एंडोस्पर्म, न्यूट्रेटिव टिश्यू इज फॉर्म्ड ओनली कब बनेगा, ओनली फॉर्म्ड ओनली व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो हैज बीन टेकन प्लेस। डबल फर्टिलाइजेशन क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है भी न्यूट्रेटिव टिश्यू तभी बनेगा, समझा नहीं कि नहीं आ रही, जब क्या बनेगा एम्ब्रियो बन चुका होगा। समझा दी अगर नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं पता लग रहा। इन कंट्रास्ट, यस इन कंट्रास्ट टू जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है बेटा, यस जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, न्यूट्रेटिव टिश्यू इज फॉर्म्ड, न्यूट्रेटिव टिश्यू is formed long before fertilization, समझा रही है नहीं आ रही। मतलब ये हो गया बेटा, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे, जिम्नोस्पर्म क्या करते हैं, पहले ही फूड बना के रख लेते हैं, जाइगोट बने ना बने, समझा रही कि नहीं आ रही। एंजियोस्पर्म क्या करते हैं, ये फूड तभी तैयार करते हैं जब जाइगोट बन जाता, समझा रही कि नहीं आ रही। मतलब जब मेहमान आएंगे तभी फूड बनाएंगे, या सुबह उठ के पहले फूड तैयार करके रख लें भी मेहमान आए ना आए, है ना। जिम्नोस्पर्म क्या करते थे, वो सुबह उठ के ही फूड तैयार कर लेते, मेहमान अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फूड क्या हो गया, वेस्ट हो गया, समझा रही कि नहीं आ रही। एंजियोस्पर्म थोड़े सियाने आ जाए, है ना, एंजियोस्पर्म क्या करते हैं, वो फूड तभी तैयार करते हैं जब घर में क्या आते हैं, मेहमान आते हैं, समझा रही कि नहीं आ रही। जब घर में मेहमान आ गया क्या, जाइगोट, तभी क्या बोले, फूड बने। जिम्नोस्पर्म क्या करते थे, वो न्यूट्रिटिव टिश्यू फूड पहले ही तैयार करके रख लेते, लॉन्ग बिफोर फर्टिलाइजेशन, समझा दिया नहीं यार। इट मींस व्हाट, सेकंड सिग्निफिकेंस क्या होगी, सो इट इज मोर इकोनॉमिक, इट इज मोर इकोनॉमिक, है ना, ज्यादा इकोनॉमिक है देन जिम्नोस्पर्म्स, समझा दिया नहीं यार, ये ज्यादा इकोनॉमिक है, पता लग रहा नहीं पता लग रहा, सुनना ध्यान से। Here endosperm is 3N triploid है कि नहीं, triploid तो क्या होगा, physiologically it is physiologically ज़्यादा active है, physiologically ज़्यादा active है
तो ग्रोथ भी ज्यादा होगी, है ना। अगर ग्रोथ ज्यादा होगी तो इट कैन अक्यूमुलेट यस मोर न्यूट्रिएंट्स, ये ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अक्यूमुलेट करेगा। समझा रही है नहीं है, सिग्निफिकेंस है कि नहीं, पता लग रहा नहीं पता लग रहा। फोर्थ सिग्निफिकेंस क्या है, समझा रही है, फोर्थ क्या होगी, सुनना ध्यान से। इट ऑल्सो एड मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट ऑल्सो एड कैरेक्टरिस्टिक्स, यस कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मेल प्लांट इन द एंडोस्पर्म। समझा रही है कि नहीं आ रही, एंडोस्पर्म में क्या आ गया बेटा, मेल प्लांट के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। समझा रही है नहीं आ रही, ये एडवांटेज हो गई, समझा रही है नहीं आ रही। लास्ट एडवांटेज और बताओ, सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा क्वेश्चन, है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे दो तीन, सुनना ध्यान से। लास्ट सिग्निफिकेंस क्या होगी, है ना, थोड़ा सुनना ध्यान से। फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है बेटा, सुनना ध्यान से, फीमेल गैमेटोफाइट की जो डेवलपमेंट होती है, फीमेल गैमेटोफाइट की जो डेवलपमेंट है बेटा, इट स्टॉप्स एट व्हाट, एट 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ऐसी था फीमेल गैमेटोफाइट, क्या था, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज पे क्या होगी, इसकी डेवलपमेंट रुक गई। समझा रही नहीं आ रही। नेक्स्ट, द सेकेंड एक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, द सेकेंड एक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, द सेकेंड एक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, दैट इज कौन सा सेकेंड एक्ट, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन प्रोवाइड, सुनना ध्यान से, provide a stimulus to one of its cell to resume growth to form endosperm। समझा रही है नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं तो लग रहा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन की इम्पोर्टेंस है। समझा रही कि नहीं आ रही, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इट इज द फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट, वन विद एग एंड अदर विद सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियर, इन ऑर्डर टू फॉर्म टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, वन इज जाइगोट अदर इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। समझा रही कि नहीं आ रही, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से क्या बनेगा, एक टिश्यू बनेगा जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, ए न्यूट्रिटिव टिश्यू है meant for nourishing the developing embryo। समझा रही है कि नहीं आ रही, पता लग रहा है, एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए बेटा क्या चाहिए, फूड चाहिए, दैट इज एंडोस्पर्म। समझा रही है कि नहीं आ रही, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। समझा रही है कि नहीं आ रही, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया नावाश्चिन ने, वो प्लांट पढ़ रहा था बेटा फर्टिलेरिया एंड लिलियम। समझा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या होगी, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू बन जाता है लॉन्ग बिफोर फर्टिलाइजेशन, फूड बना के रख लिया, जाइगोट बने ना बने, एम्ब्रियो बने ना बने, है ना, वो फूड था किसका, एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो बना नहीं तो फूड वेस्ट हो गया, तो जिम्नोस्पर्म का ये फीचर प्रिमिटिव है, इट इज नॉट इकोनॉमिकल। समझा, एंजियोस्पर्म थोड़े ज्यादा सियाने हो गए, है ना, दे आर मोर कॉन्शियस, उन्होंने क्या किया, फूड तभी बनाया, है ना, फूड एंडोस्पर्म तभी बना है जब क्या बन चुका अंदर, एम्ब्रियो। समझा रही है कि नहीं आ रही, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द जाइगोट हैज बीन फॉर्मड, जब तक जाइगोट नहीं बना बेटा एंडोस्पर्म नहीं बनता। समझा रही है कि नहीं आ रही, आइडिया होगा नहीं होगा, ये थोड़ा इकोनॉमिक भी है, भी जब मेहमान आ गए तभी फूड बनाया। समझा रही है कि नहीं आ रही, फूड वेस्ट नहीं हुआ, इकोनॉमिक का ज्यादा। एंडोस्पर्म क्या है, 3 है, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड, है ना। समझा रही नहीं आ रही, एंजियोस्पर्म में सुनना ध्यान से, आप लिखो थोड़ा नोट कर लो, यस एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म इज, थोड़ा प्लस वन को भी पता हो, एंजियोस्पर्मिक ये तो पता लग गया, एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा, 3 है,
समझा रही है कि नहीं यानी थ्री एन है, थ्री एन फिजियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव है, ग्रोथ ज्यादा करता है, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एक्युमुलेट करता है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म होता है बेटा हैप्लॉइड, इट इज हैप्लॉइड, तो ज्यादा न्यूट्रिएंट कौन एक्युमुलेट करेगा, जो थ्री एन है। ग्रोथ रेट किसका ज्यादा होगा बेटा, जो थ्री एन है। एंजियोस्पर्म में मोर एडवांस है जिम्नोस्पर्म, समझा रही नहीं है। इट ऑल्सो एड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेल प्लांट है ना इन द एंडोस्पर्म, समझा रही कि नहीं आ रही, तो लग रहा है। लास्ट एडवांटेज क्या थी बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट रुक गई थी कहाँ पे जाके, सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियेटेड स्टेज पे जाके, समझा रही है। द सेकेंड एक्ट है जो जो ट्रिपल फ्यूजन है बेटा, वो क्या स्टिमुलेट करती है, दैट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ वन ऑफ द सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, समझा रही कि नहीं आ रही, क्या बन जाता है उससे फिर एंडोस्पर्म बन जाता है, समझा रही कि नहीं आ रही, पता लग गया। द सेकंड एक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन दैट इज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन प्रोवाइड अ स्टिमुलस टू वन ऑफ इट्स सेल्स, वन ऑफ इट्स सेल टू रिज्यूम ग्रोथ टू फॉर्म एंडोस्पर्म, समझा रही है नहीं आ रही, तो लग रहा है बेटा इजी हो गया, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन सुनना ध्यान से। हमें यह पता बेटा गैमेट्स की प्लॉयडी क्या होती है, पेरेंट प्लांट से हाफ होती है ना, गैमेट में क्रोमोसोम नंबर, गैमेट्स में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट प्लांट से क्या होता है, हाफ होता है कि नहीं। चलो सुनना ध्यान से, वो बोलते हैं सपोज मेल प्लांट इज, मेल प्लांट है बेटा 2n, फीमेल प्लांट है सपोज 4n, है ना, इसकी क्रॉस पॉलिनेशन होगी, देन व्हाट विल बी द प्लॉयडी ऑफ, व्हाट विल बी द प्लॉयडी ऑफ यस जाइगोट, जाइगोट एंडोस्पर्म एंड फ्रूट, सुनना ध्यान से, है ना, मेल प्लांट है 2n, फीमेल प्लांट है 4n, समझा रही नहीं आ रही, चलो बड़े अगर फीमेल प्लांट 4n है तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा, प्राइमरी का ना, अगर फीमेल प्लांट 4n है तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा 2n, हाफ हो गए कि नहीं, सारे सेल क्या हो गए इसके 2n हो गए, क्योंकि फीमेल प्लांट क्या है 4n, समझा रही कि नहीं आ रही, तो एग क्या होगा, एग क्या हो गया 2n, पोलर न्यूक्लियस भी क्या हो गया बेटा 2n एंड 2n, समझा रही नहीं आ रही, पता लग रहा नहीं पता लग रहा बेटा, समझा रही है। मेल प्लांट क्या है, मेल प्लांट इज 2n, तो मेल गैमेट क्या हो गए, मेल गैमेट क्या हो गए टू हाफ हो गया n एंड n, समझा रही नहीं आ रही। फीमेल गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट की प्लॉयडी क्या होगी, स्पोरोफाइट से हाफ होगी, समझा रही है। अगर फीमेल प्लांट क्या 4n तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या हो गया, हाफ हो गया 2n हो गया, सारे सेल क्या हो गए 2n हो गए, मेल प्लांट 2n है तो मेल गैमेट की प्लॉयडी इससे हाफ होगी, तो अब क्या होगा, इन दोनों फ्यूज करके क्या बन गया, जाइगोट, जाइगोट की प्लॉयडी क्या होगी बेटा, यस क्या होगी 3n, समझा रही, पता लग गया। अब ये कैसे फ्यूज हो गया, पोलर न्यूक्लियस से क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, समझा रही कि नहीं आ रही, एंडोस्पर्म इससे ही बनेगा, इसकी प्लॉयडी क्या होगी 2n प्लस 2n प्लस n क्या होगी 5n, समझा रही कि नहीं आ रही, एंडोस्पर्म क्या हो गया, यस 5n, जाइगोट क्या हो गया 2n, अब फ्रूट सुनना ध्यान से, फ्रूट किससे बनता है, फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से, ओवरी से ही बनता है बेटा फ्रूट है, समझा, ओवरी की वॉल को तो कुछ नहीं हुआ, फीमेल प्लांट क्या है 4n, अगर फीमेल प्लांट 4n है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, अगर फीमेल प्लांट क्या है, स्पोरोफाइट 4n है, सपोज फीमेल प्लांट 4n है, इट मींस रूट भी 4n, स्टेम भी 4n, लीव्स भी 4n, फ्लावर भी 4n, स्टिग्मा भी 4n, स्टाइल भी 4n, ओवरी भी 4n, अगर ओवरी 4n है तो फ्रूट भी क्या होगा, टेट्राप्लॉयड 4n होगा, फीमेल प्लांट अगर टेट्राप्लॉयड है तो ओवरी भी क्या है बेटा, टेट्राप्लॉयड, फ्रूट भी क्या होगा, टेट्राप्लॉयड, समझा रही है नहीं आ रही, तो
तो लग रहा नहीं तो लग रहा बहुत इजी है, समझा लिया नहीं आ रही, देखो कुछ पूछना है पहले। अच्छा वो एक और कर लेते हैं, चलो समझाइए रब कर दो, बहुत इजी है। नेक्स्ट चलो एक और करते हैं, सपोज मेल प्लांट इज टेट्राप्लॉयड 4 है, फीमेल प्लांट इज 2 है, है ना। अब क्या होगा, फीमेल प्लांट क्या 2 है, मेल प्लांट बॉडी क्या 2 है, तो फीमेल गैमेटोफाइट, यस, तो फीमेल गैमेटोफाइट क्या होगा, हेन होगा, हाफ होगा पेरेंट से, तो एग क्या होगा, एन। पोलर न्यूक्ले भी क्या हो गए, एन एंड एन, समझा नहीं यार, इसमें क्या है, मेल गैमीट, मेल प्लांट क्या है 4 एन, मेल गैमीट क्या हो गए 2 एन 2 एन, समझा लिए। अगर मेल प्लांट बेटा 4 एन है तो गैमीट में प्रोडी से हाफ होगी 2 एन 2 एन हो गए, ये से फ्यूज किया क्या बन गया जाइगोट, जाइगोट की प्रोडी क्या होगी 2 एन एन 3 एन, समझा लिए। दूसरा मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज हुआ, पोलर न्यूक्ले के साथ, क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, प्लॉयडी क्या होगी 2n 3n 4n 4n हो गया, तो एंडोस्पर्म क्या हो गया अब 4n, समझा लीजिए क्लियरली। फ्रूट फीमेल प्लांट क्या 2n, अगर फीमेल प्लांट 2n है तो रूट भी 2n, स्टेम भी 2n, लीव्स भी 2n, फ्लावर भी 2n, सेपल्स भी 2n, पेटल्स भी 2n, स्टेमल्स भी 2n, है ना, समझा रही है, कार्पल भी 2n, स्टिग्मा भी 2n, स्टाइल भी 2n, ओवरी भी 2n, अगर ओवरी भी 2n है तो फ्रूट क्या होगा, डिप्लॉयड, समझा रही है नहीं यार, इजी हो गया, बहुत इजी, समझा रही है नहीं, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन, क्या ये डबल फर्टिलाइजेशन है, समझा रही है नहीं यार, बहुत इजी हो गया, सर लोग मेरे को लगता है बहुत इजी है, समझा रही है नहीं यार। चलो नेक्स्ट बेटा इसने दिया टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, बहुत इजी, हमने जेनेटिक्स में भी पढ़ा, यस। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, है ना, सुनना ध्यान से, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, सुनना ध्यान से, आर्टिफिशियल ह्यूमन परफॉर्म्ड क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल हो गया नहीं, बिटवीन द टू प्लांट्स हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेड्स, सुनना ध्यान से, समझा रही नहीं यारी, इजी है, देखते हैं, सुनना ध्यान से, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कौन करता है, प्लांट ब्रीडर्स करते हैं, दे आर यूजली डन बाय प्लांट ब्रीडर्स फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, क्रॉप इंप्रूवमेंट, है ना, प्लांट ब्रीडर क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, सुनना ध्यान से, इन आर्टिफिशियल प्रोसेस की बात करें, इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन देर आर टू मेन प्रिकॉशनरी मेथड्स, देर आर टू मेन प्रिकॉशनरी मेथड्स, देर आर टू मेन प्रिकॉशनरी मेथड्स, सुनना ध्यान से, कौन कौन से, फर्स्ट इज ईमैस्कुलेशन, फर्स्ट इज ईमैस्कुलेशन, सेकेंड इज बैगिंग, ईमैस्कुलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ स्टेमन्स, समझा लीजिए नहीं यार, बैगिंग मीन्स कवर करना, कवरिंग ईमैस्कुलेटेड फ्लावर्स विद बटर पेपर, या तो किससे कर देते हैं बेटा, बटर पेपर से कर देते हैं, या फिर पॉलीथीन भी यूज कर लेते हैं,
और विद पॉलीथीन। समझा ली कि नहीं आ रही? एक एग्जांपल लेते हैं, सुनना ध्यान से। टेक एन एग्जांपल, सपोज राइस की बात कर लेते हैं, राइस का अपना। समझा ली कि नहीं आ रही? ये जो होगा, सपोज एक वैरायटी है राइस की, समझा ली कि नहीं आ रही? वैरायटी वन, एक है वैरायटी टू। वैरायटी वन में क्या है, सुनना ध्यान से, ग्रेन की लेंथ तो है ज्यादा, ग्रेन की लेंथ तो क्या है राइस की ज्यादा, पर इट इज सेंसिटिव। क्या है ये? सेंसिटिव है, इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू डिजीजेस। सेकंड वैरायटी में क्या है बेटा, ग्रेन की लेंथ तो स्मॉल है, पर क्या है ये क्या है, इट इज रेजिस्टेंट है। क्या बेटा, ये रेजिस्टेंट है। समझा ली क्लियर? अब क्या किया हम, सुनना ध्यान से। इसके ऊपर भी फ्लावर है, फ्लोरल बड्स है बेसिकली बेटा, है ना? सुनना ध्यान से, हमें क्या चाहिए, हमें कैसी वैरायटी चाहिए बेटा जिसकी ग्रेन लेंथ भी ज्यादा हो और वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हो। समझा ली? ये दो प्लांट हो गए अलग अलग। ह्यूमन परफॉर्म्ड क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन द टू प्लांट्स हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेट्स। ट्रेट कॉम्प्लीमेंट्री हो कि नहीं? एक की क्या चाहिए हमें, ग्रेन लेंथ, दूसरे प्लांट से क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। समझा ली कि नहीं यार? यस। समझा नहीं आ रही? तो फर्स्ट हमने क्या किया बेटा, सपोज दोनों में से किसी एक की क्या रिमूव कर दी बेटा, स्टेमन, क्या होगी ये, इमैस्कुलेशन। समझा नहीं आ रही? पता लग गया? अब इसके समझा रही है, इसके पोलन, इसके ऊपर डस्ट कर दी, क्रॉस पॉलिनेशन होगी, इसके ऊपर क्या लगा दिया, बैग लगा दिया, बैगिंग कर दी। समझा नहीं आ रही? अब क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगी। नेक्स्ट जनरेशन में देर आर टू पॉसिबिलिटीज, ये भी हो सकता है कि ग्रेन लेंथ कम हो और प्लांट क्या हो जाए, सेंसिटिव, ये भी तो हो सकता है। देर इज वन पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी इज भी ग्रेन लेंथ क्या हो बेटा, ज्यादा और प्लांट क्या हो जाए, रेजिस्टेंट। समझा रही है कि नहीं आ रही? लग रहा नहीं तो लग रहा, इसमें एक लाइन और एड करते हैं। It is human performed cross pollination between the two plants having complementary traits in order to obtain an overall superior variety, है ना? दो possibilities है, ये variety क्या होगी, superior variety, क्या होगी ये, superior variety होगी। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको रिजेक्ट कर दी। दिस इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है बेटा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है। ह्यूमन परफॉर्म्ड क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन द टू प्लांट्स हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेट्स। समझा, दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेट्स है, एक की चाहिए ग्रेन लेंथ, दूसरे से क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ओवरऑल सुपीरियर वैरायटी। दिस इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देयर आर टू प्रिकॉशनरी मेजर्स, कौन कौन से, इमैस्कुलेशन एंड बैकिंग। समझा रही है नहीं आ रही? पता लग गया बेटा, ये हमारा पोर्शन खत्म हो गया बेटा फर्टिलाइजेशन। समझा रही कि नहीं आ रही? समझा दी, बहुत इजी है। इसके बाद है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या पढ़ेंगे हम, यस क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो। हमने पढ़नी है एम्ब्रोजनी, क्या पढ़ेंगे हम, एम्ब्रोजनी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। समझा रही है? सेकेंड हमने पढ़नी है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। समझा रही है? क्या बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बना था, उससे एंडोस्पर्म कैसे बनेगा वो पढ़ना। समझा रही है कि नहीं यार? उसके बाद हम पढ़ेंगे सीड कैसे बन गए। समझा रही? तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, लग रहा है बहुत ईजी है ना? बस दो तीन लेक्चर लगने हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ठीक है? इसको अच्छी तरह से तैयार करना, प्रिपेयर करना है ना, देन वी हैव टेस्ट। फिर हम टेस्ट लेंगे इसका, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा संडे को, है ना? फिर हम टेस्ट लेंगे इसका, ठीक है बेटा? चलो ओके, इसको पढ़ लेना बेटा अच्छी तरह से, ठीक है? थैंक यू।